Hello everyone, welcome to Electronics Lecture. Dear students, आज हम Electronics 1 में Chapter 5 Modern Electronic Communications ये पढ़ने जा रहे हैं. आपके एग्जाम में इस चैप्टर को 20% वेटेज दिया गया है, यानी क्वेश्चन पेपर में 20% क्वेश्चंस इस चैप्टर के पूछे जा सकते हैं. कम्युनिकेशन ये इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है. कम्युनिकेशन का मतलब है शेयरिंग ऑफ थॉट्स विद वन अनदर, अपने विचार एक दूसरे के साथ शेयर करना. कम्युनिकेशन ये एक बेसिक प्रोसेस है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने की. ये इंफॉर्मेशन ओरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है, या इट कैन बी इन प्रिंटेड फॉर्म. इन प्रैक्टिस यानी कम इलेक्ट्रॉनिक्स में कम्युनिकेशन मतलब ये कन्वर्शन ऑफ मैसेज, जो वर्ड्स में भी हो सकते हैं, कोडेड सिंबल्स में भी हो सकते हैं, ये मैसेजेस इलेक्ट्रिकल वोल्टेज या करंट में कन्वर्ट करना, कि जो वैरी करेंगे विद टाइम एज वेल एज दिस कम्युनिकेशन इज यूज्ड टू कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन अनदर. तो सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम. यानी एक कम्युनिकेशन सिस्टम है तो कम्युनिकेशन सिस्टम के क्या क्या पार्ट्स है, क्या क्या एलिमेंट्स है. बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम है ट्रांसमीटर. यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम शो की है. दिस इज ब्लॉक डायग्राम ऑफ बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम. ये क्वेश्चन में भी आता है और आपको हर एक पार्ट का डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ता है. टोटली इन ऑल ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है. और ये जो पार्ट है, ये पार्ट पे क्वेश्चन हमेशा आता है. तो ये ब्लॉक डायग्राम में हमें दिख रहा है कि तीन बेसिक इम्पोर्टेंट ब्लॉक्स है. पहला एलिमेंट है ट्रांसमीटर, जो सबसे पहले है. फिर दूसरा एलिमेंट है कम्युनिकेशन चैनल, और इसे मीडियम भी कहते हैं. एंड थर्ड एलिमेंट इज रिसीवर. यहाँ पे जो हमें मैसेज या इंफॉर्मेशन हमें ट्रांसमिट करनी है, यानी एक एंड से दूसरे एंड पे हमें पहुंचानी है, तो उसे हम कहते हैं, ये जो मैसेज इनपुट है, यानी यहाँ से अगर हमें बोलना है, इंफॉर्मेशन सेंड करनी है, या प्रिंटेड फॉर्म मतलब एखादा कागज जो है, या एखादी इंफॉर्मेशन पेपर है एखादा, ये एंड से ये एंड पे भेजना है, तो ये जो मैसेज इनपुट है, ये मैसेज इनपुट को हम इंफॉर्मेशन या इंटेलिजेंस भी कहते हैं. और ये मैसेज इनपुट ये वॉइस फॉर्म में हो सकता है, कोड फॉर्म में हो सकता है, पिक्चर फॉर्म में हो सकता है, या हम डेटा भी ट्रांसमिट कर सकते हैं ये एंड से ये एंड तक. तो वन बाय वन हम एक एक ब्लॉक यहाँ पे स्टडी करते हैं. फर्स्ट एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम इज ट्रांसमीटर. जो इंफॉर्मेशन या इंटेलिजेंस हमें ट्रांसमिट करना है, वो सबसे पहले हम ट्रांसमीटर को देते हैं. ट्रांसमीटर कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सर्किट्स विच इज डिजाइन टू कन्वर्ट इंफॉर्मेशन इन टू सिग्नल सुटेबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ गिवन कम्युनिकेशन चैनल. यानी ट्रांसमीटर में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और सर्किट इस तरह से डिजाइन किए होते हैं कि जब इंफॉर्मेशन ट्रांसमीटर को सेंड होती है, तो वो इंफॉर्मेशन वो सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं, और वो सिग्नल्स फिर कम्युनिकेशन चैनल को दिए जाते हैं. ट्रांसमीटर का एग्जाम्पल है माइक्रोफोन, माइक्रोवेव, रेडियो ट्रांसमीटर. ये तीनों एग्जाम्पल्स है ट्रांसमीटर के. ट्रांसमीटर के सिग्नल्स नेक्स्ट चैनल को जाते हैं, वो सेकंड चैनल है कम्युनिकेशन चैनल, जिसे हम मीडियम भी कहते हैं. इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जो ट्रांसमीटर ने इंफॉर्मेशन को सुटेबल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट किया था, वो अभी कम्युनिकेशन
चैनल को मिल गए हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल इज सेंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय दिस कम्युनिकेशन चैनल और मीडियम। कम्युनिकेशन चैनल के तीन मेजर टाइप्स है, यानी ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, एक जगह से दूसरी जगह पे हम सेंड कर सकते हैं थ्रू वायर्स, थ्रू रेडियो या थ्रू ऑप्टिक फाइबर केबल। पेयर ऑफ वायर कैरीज वॉइस सिग्नल फ्रॉम माइक्रोफोन टू हेडसेट। हम ये हमेशा देखते हैं कि पेयर ऑफ वायर कैरीज वॉइस सिग्नल, हम जब टेलीफोन पे बोलते हैं तो वो सिग्नल्स माइक्रोफोन टू हेडसेट जाते हैं। यहाँ पे रेडियो टर्म का मीनिंग है एनी फॉर्म ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। रेडियो का मतलब, वायर का मतलब तो हम जानते हैं, सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू रेडियो, मतलब यहाँ पे रेडियो का मीनिंग आएगा वायरलेस कम्युनिकेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। रेडियो यानी वायरलेस कम्युनिकेशन ये यूज करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जहाँ पे सिग्नल्स आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स दैट प्रोपोगेट इजीली ओवर डिस्टेंसेस। यानी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का यूज होके रेडियो ट्रांसमिशन होता है। फाइबर ऑप्टिक केबल्स कैरीज इंफॉर्मेशन ऑन लाइट वेव एंड द मीडियम ट्रांसमिट्स द इंफॉर्मेशन। मीडियम से इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है, बट इट अटेन्यूएट्स एंड डिग्रेड्स द सिग्नल विच कॉजेस डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड। जैसे हमने देखा कि जो इंफॉर्मेशन हमें ट्रांसमिट करनी है वो सबसे पहले हमने ट्रांसमीटर को दी, ट्रांसमीटर ने वो सुटेबल सिग्नल्स में, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में कन्वर्ट की और वो फिर कम्युनिकेशन चैनल को सेंड की। अब कम्युनिकेशन चैनल डायरेक्ट वो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करेगा, लेकिन ये ट्रांसमिशन में जो सिग्नल है वो सिग्नल का एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो सकता है, वो सिग्नल अटेन्यूएट हो सकते हैं या वो डिग्रेड भी हो सकते हैं। यानी जो हमने इंफॉर्मेशन सेंड की है, हो सकता है वो इंफॉर्मेशन में कुछ तो भी डिस्टॉर्शन, वैसे की वैसी इंफॉर्मेशन दूसरे एंड पे कभी कभी नहीं पहुंच सकती है। इसलिए फॉर सक्सेसफुल कम्युनिकेशन एम्पलीफिकेशन ऑफ द सिग्नल इट इज नेसेसरी बोथ एट द ट्रांसमीटर एट द रिसीवर। यानी हमने जो हमें जो मैसेज, जो इंफॉर्मेशन हमें सेंड करनी है उसका सक्सेसफुल एम्पलीफिकेशन ये ट्रांसमीटर और रिसीवर, यानी हमने हमें जो सेंड करनी है वो भी पूरी वैसे की वैसे ट्रांसमिट होनी चाहिए, और जो रिसीव करनी है वो भी जो पूरी ट्रांसमिट की है वैसे की वैसे ही हमें रिसीव भी करनी है। थर्ड पार्ट कम्युनिकेशन सिस्टम का है रिसीवर। रिसीवर जो कम्युनिकेशन चैनल ने इंफॉर्मेशन सेंड की है, मैसेज सेंड किया है, उसे ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। रिसीवर की एग्जांपल्स है ईयरफोन, इलेक्ट्रॉनिक रिसीवर। अब बेसिक डायग्राम जो हमने शो की थी एलिमेंट्स की, उसमें आप देख सकते हैं कि कम्युनिकेशन चैनल के नीचे नॉइस करके लिखा है और उसका एरो कम्युनिकेशन चैनल की तरफ है। इसका मतलब है कि जब सिग्नल ट्रांसमीटर से कम्युनिकेशन चैनल में आते हैं तो कम्युनिकेशन चैनल में नॉइस ऐड होता है। नॉइस क्या है? तो नॉइस ये रैंडम अनडिजायरेबल इंटरफेरेंस इन कम्युनिकेशन सिस्टम है, और ये ऐड होता है सिग्नल में एट द कम्युनिकेशन चैनल। अब नॉइस ऐड होने की वजह क्या है? तो नॉइस ये एटमॉस्फेयर की वजह से भी ऐड हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स में कभी कभी खराबी हो तो उसकी वजह से भी ऐड हो सकता है, या थर्मल एजिटेशन इन कंपोनेंट्स। तो ये तीन सोर्सेस है नॉइस ऐड होने के सिग्नल्स में एट द
कम्युनिकेशन चैनल। अब एटमॉस्फेयर से नॉइज, ये लाइटनिंग की वजह से या आउटर स्पेस की वजह से एड्स हो सकता है, जहां पे सन एंड अदर स्टार्स एमिट वेरियस टाइप्स ऑफ रेडिएशन। इलेक्ट्रिक एजिटेशन, इग्निशन सिस्टम ऑफ कार्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड अदर इक्विपमेंट्स आल्सो जनरेट सिग्नल दैट इंटरफर द मैसेज। यानी गाड़ी शुरू करते वक्त, इलेक्ट्रिक मोटर्स के ऑपरेशन के वक्त या बाकी के भी इक्विपमेंट्स, ये क्या करते हैं, दे जनरेट सिग्नल्स दैट इंटरफर विद द मैसेज। मेनी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आल्सो जनरेट नॉइस इंटरनली ड्यू टू थर्मल एजिटेशन ऑफ द एटम्स। नॉइस ये अनडिजायर्ड है, इट कैनॉट बी कम्प्लीटली एलिमिनेटेड। यानी नॉइज ये अनडिजायर्ड है, फिर भी हम इसे पूरी तरह से हम इसे एलिमिनेट नहीं कर सकते। हम उसे कम कर सकते हैं, उसकी लेवल कम कर सकते हैं, लेकिन वी कैनॉट कम्प्लीटली एलिमिनेट द नॉइज फ्रॉम द सिग्नल। अभी हमने बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़े, जो है ट्रांसमीटर, कम्युनिकेशन चैनल एंड रिसीवर। अब सेकेंड पार्ट यहाँ पे है, वो है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। यानी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन किस किस तरह से करते हैं, तो तीन प्रकार है, थ्री टाइप्स आर देयर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। पहला टाइप है वन वे और टू वे। वन वे को सिंप्लेक्स भी कहते हैं, टू वे को ड्यूप्लेक्स कहते हैं। दूसरा टाइप है एनालॉग और डिजिटल, यानी कम्युनिकेशन एनालॉग या डिजिटल फॉर्म में भी हो सकता है। एंड तीसरा है बेस बैंड और मॉड्यूलेटेड। वन बाय वन एक एक टाइप अब हम पढ़ते हैं। टाइप वन हमने देखा है, वो है वन वे सिंप्लेक्स या टू वे ड्यूप्लेक्स। सबसे पहले व्हाट इज सिंप्लेक्स ये पढ़ते हैं। तो सिंप्लेक्स का मतलब है वन वे कम्युनिकेशन। यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल होती है, और यहाँ पे देर इज नो प्रोविजन फॉर द फीडबैक फ्रॉम द डिस्टेंट एंड। यानी हम सिर्फ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर सकते हैं, उस साइड में इंफॉर्मेशन पहुंची है कि उनको क्या उस पे कम्युनिकेट करना है, वो हम यहाँ पे फीडबैक जिसे कहते हैं, वो हम इस प्रकार के कम्युनिकेशन में नहीं ले सकते हैं। इसका एग्जांपल है रेडियो, टीवी ब्रॉडकास्टिंग, टेलीमेट्री, फैक्स एक्सेट्रा। सेकेंड टाइप है ड्यूप्लेक्स। टाइप वन में टू वे कम्युनिकेशन इज कॉल्ड ड्यूप्लेक्स। अब यहाँ पे क्या है, टू वे कम्युनिकेशन, यानी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट भी होगी और रिसीवर की तरफ से भी हमें वहां से सिग्नल हमारी तरफ आ सकते हैं। ये हो गया टू वे कम्युनिकेशन। यहाँ पे साइमल्टेनियस टू वे कम्युनिकेशन इज कॉल्ड एज फुल ड्यूप्लेक्स। यानी दोनों भी तरह से साइमल्टेनियसली अगर कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसे हम फुल ड्यूप्लेक्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है टेलीफोन सिस्टम में। टेलीफोन सिस्टम में हम एक साइड से बात कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, उधर से जो नेक्स्ट एंड पे है वो भी हमारे साथ बात कर सकता है। मतलब यहाँ पे इच कैन ट्रांसमिट एंड हियर साइमल्टेनियसली। दिस टाइप ऑफ टू वे कम्युनिकेशन इन विच ओनली वन पार्टी ट्रांसमिट्स एट अ टाइम इज कॉल्ड एज हाफ ड्यूप्लेक्स। यानी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन जिसे जिसमें सिर्फ एक ही पार्टी ट्रांसमिट कर सकती है इंफॉर्मेशन एट ए टाइम, उसे हम हाफ ड्यूप्लेक्स कहते हैं। हियर द कम्युनिकेशन इज टू वे बट डायरेक्शन चेंजेस। इसके एग्जांपल है रेडियो कम्युनिकेशन यूज्ड इन मिलिट्री, फायर, पुलिस, सिटीजन बैंड रेडियो एक्सेट्रा। यहाँ पे हाफ ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है। टाइप टू में एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स। सबसे पहले एनालॉग सिग्नल्स देखते हैं। कंटिन्यूअसली वेरिंग वोल्टेज और करंट इज कॉल्ड एनालॉग सिग्नल। यहाँ पे कंटिन्यूअस वेरिएशन है वोल्टेज और करंट।
करंट में। एनालॉग सिग्नल ये साइनुसाइडल नेचर में होते हैं। साइनुसाइडल नेचर मतलब इस टाइप ऑफ वेवफॉर्म इज कॉल्ड एज साइनुसाइडल वेवफॉर्म। अगर हम ये एक्सिस लेते हैं तो ऊपर और नीचे का पार्ट सेम होता है, तो इस टाइप ऑफ सिग्नल आर कॉल्ड साइनुसाइडल इन नेचर विद और विदाउट हार्मोनिक्स एंड रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी लाइक साउंड वेव्स। इसके एग्जांपल है एनालॉग सिग्नल के, टेलीफोन सिग्नल है, टीवी पिक्चर सिग्नल है, रेडियो ब्रॉडकास्ट सिग्नल्स है। सेकेंड टाइप पार्ट टू में है डिजिटल सिग्नल्स। डिजिटल सिग्नल्स यहाँ पे देखिए एनालॉग सिग्नल्स भी बताए हैं, डिजिटल सिग्नल्स ये है ये पल्सेस के फॉर्म में होते हैं, ऑकरिंग एट डिस्क्रीट इंटरवल ऑफ टाइम। ये क्या है, ऐसी पल्स है और ये पल्स क्या हो रही है, एक एक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। दीज सिग्नल्स आर यूज्ड इन ट्रांसमिशन एंड रिसीवर रिसेप्शन ऑफ कोडेड मैसेजेस। कोडेड मैसेजेस जो होते हैं वो ट्रांसमिट करने के लिए या रिसीव करने के लिए ये डिजिटल सिग्नल टाइप यूज होती है। इसका एग्जांपल है टेलीग्राफ सिग्नल, रडार सिग्नल, डेटा सिग्नल। टेलीग्राफ सिग्नल्स ये मोर्स कोड में होते हैं। इन डेटा सिग्नल्स बाइनरी कोड्स रिप्रेजेंट नंबर्स, लेटर्स एंड स्पेशल सिंबल्स। डिजिटल सिग्नल्स में बाइनरी कोड्स रिप्रेजेंट नंबर, लेटर एंड स्पेशल सिंबल। हमने बाइनरी सिस्टम पढ़ी है, हमें पता है उसमें क्या क्या होता है। एज देयर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ ट्रांसमिटिंग डेटा इन डिजिटल फॉर्म, एनालॉग सिग्नल्स आर समटाइम्स कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्म बाय यूजिंग एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। डिजिटल इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने के बहुत फायदे हैं। इसकी वजह से कभी कभी एनालॉग सिग्नल्स भी डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं ए टू डी कन्वर्टर, यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की मदद से। टाइप थ्री में फर्स्ट पार्ट है बेस बैंड ट्रांसमिशन। रिगार्डलेस ऑफ वेदर द इंफॉर्मेशन सिग्नल्स आर एनालॉग और डिजिटल दे आर कॉल्ड बेस बैंड सिग्नल्स। यानी बेस बैंड सिग्नल्स में डिजिटल सिग्नल्स भी होते हैं, एनालॉग भी सिग्नल होते हैं। इसके एग्जांपल है ओरिजिनल वॉइस, वीडियो और डेटा वोल्टेज। पुटिंग द ओरिजिनल सिग्नल डायरेक्टली इनटू द मीडियम इज कॉल्ड बेस बैंड ट्रांसमिशन। यानी जो इंफॉर्मेशन है, जो सिग्नल है ओरिजिनल फॉर्म में, वो डायरेक्टली मीडियम को, नहीं तो हम देखते हैं कि ट्रांसमीटर में वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद में कम्युनिकेशन चैनल को देते हैं, तो यहाँ पे बेस बैंड ट्रांसमिशन में वैसा नहीं है। जो भी इंफॉर्मेशन आएगी उसे सुटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बजाय वो वैसे के वैसे ही यहाँ पे मीडियम को ट्रांसमिट होगी। इस टाइप के ट्रांसमिशन को हम बेस बैंड ट्रांसमिशन कहते हैं। इसका एग्जांपल है इन सम कंप्यूटर नेटवर्क्स डिजिटल सिग्नल्स आर अप्लाइड डायरेक्टली टू कोएक्सियल केबल फॉर ट्रांसमिशन टू अनदर कंप्यूटर। नेक्स्ट है मॉड्यूलेटेड ट्रांसमिशन। अब बेस बैंड ट्रांसमिशन में हमने देखा कि डायरेक्टली इंफॉर्मेशन जो फॉर्म में है वो फॉर्म में ही मीडियम को यहाँ पे ट्रांसमिट होती है, लेकिन कभी कभी ऐसे बेस बैंड सिग्नल्स ये कंपैटिबल नहीं होते हैं मीडियम के साथ में। जैसे वॉइस सिग्नल्स ट्रांसमिटेड डायरेक्टली बाय रेडियो, तो इसलिए ये ट्रांसमिटेड सिग्नल कंपैटिबल होने चाहिए मीडियम के साथ, इसलिए मॉड्यूलेशन ये प्रोसेस यहाँ पे यूज होती है जो बेस बैंड सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल कैरियर के फॉर्म में कन्वर्ट करती है। इसके टाइप है एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी फेज ऑफ द कैरियर कैन बी चेंज्ड बाय मॉड्यूलेशन। यानी जो सिग्नल है कैरियर का, एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी एंड फेज ऑफ कैरियर ये हम
चेंज कर सकते हैं मॉड्यूलेशन से। मल्टीप्लेक्सिंग ये भी एक प्रोसेस है ट्रांसमिटिंग टू और मोर सिग्नल्स साइमल्टेनियसली ओवर द चैनल, यानी एक साथ हम दो या दो से ज्यादा सिग्नल साइमल्टेनियसली हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन क्या है सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन के और फिर डुप्लेक्स कम्युनिकेशन के, ये हम पढ़ेंगे रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में, टीवी ब्रॉडकास्टिंग में, फैक्स में, केबल टेलीविजन में, वायरलेस रिमोट कंट्रोल में, पेजिंग में, टेलीमेट्री में, टेलीटेक्स्ट में हम सिंप्लेक्स या वन वे कम्युनिकेशन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ ड्यूप्लेक्स या टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन टेलीफोन्स में, रडार में, सोनार में, अमेचर रेडियो में, इसे हम हैम रेडियो भी कहते हैं। ये ऐसे टाइप का रेडियो है जो यूज करता है रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, और ये जो अमेचर रेडियो है ये नॉन कमर्शियल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए यूज होता है। उसके बाद में सीबी रेडियो है, लोकल एरिया नेटवर्क जिसे लैन कहते हैं, डेटा कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स, टू वे रेडियो यूज्ड इन एयरक्राफ्ट, स्पेस एप्लीकेशंस एक्सेट्रा। तो यहाँ इतने जगह पे हम ड्यूप्लेक्स या टू वे कम्युनिकेशन यूज कर सकते हैं। इन दिस वे वी हैव स्टडीड द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ सिंप्लेक्स एंड ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन। Rest of the things we will discuss in our next video. Thank you very much for watching.